झूठ को उजागर करने वाला आज जेल जा रहा है, झूठ फैलाने वाला यहाँ सम्मान पा रहा है, नफरत फैलाने वाला ऊंची कुर्सी पा रहा है, नफरत को नफरत कहने वाला आज जेल की सजा पा रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है मोदी राज वाले न्यू इंडिया में, जिसकी निंदा कड़ी आलोचना देश से लेकर के विदेशों तक में हो रही है। मोदी सरकार के इस कार्रवाई का डंका, भारत के इन तस्वीरों के इन खबरों का डंका विदेशों में भी बज रहा है। तिस्ता से तलवाड़ और मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर भारत की मोदी सरकार की खूब निंदा हो रही है। हर कोई इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बता रहा है और इन दोनों की रिहाई की मांग कर रहा है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और एडिटर्स गिल्ड के बाद अब यूएन ने तिस्ता से तलवाड़, मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर चिंता जताते हुए तत्काल इनके रिहाई की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने सामाजिक कार्यकर्ता तिस्ता से तलवाड़, जिनकी गिरफ्तारी गुजरात दंगे को लेकर के हुई है, उनकी हिरासत पर चिंता व्यक्त की और उन्हें तत्काल रिहा करने का आह्वान किया। एक ट्वीट किया था और ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि तिस्ता से तलवाड़ और दो पूर्व पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी और हिरासत से बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं, उनकी तत्काल रिहाई का आह्वान करते हैं। 2002 के गुजरात दंगों के पीड़ित के साथ उनकी सक्रियता और एकजुटता के लिए उन्हें इस तरीके से सताया नहीं जाना चाहिए। मानव अधिकार रक्षा पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष डिफेंडर मैरी लॉलर ने कहा कि गुजरात पुलिस के आतंकवाद विरोधी दस्ते द्वारा तिस्ता से तलवाड़ को हिरासत में लिए जाने की खबरों से चिंतित हूँ। तिस्ता नफरत और भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत आवाज है। मानव अधिकारों की रक्षा करना कोई अपराध नहीं है। मैं उनकी रिहाई और भारत सरकार के उत्पीड़न को समाप्त करने का आह्वान करती हूं। तिस्ता के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने ऑल्ट न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर कहा कि पत्रकारों को उनके लिखने, ट्वीट करने और कुछ भी कहने के लिए जेल नहीं जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि लोगों को बिना किसी उत्पीड़न की धमकी के खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति दी जाए। यूएन महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि दुनिया भर में किसी भी जगह पर ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि लोगों को खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति मिलनी चाहिए। पत्रकारों को खुद को स्वतंत्र रूप से और किसी भी उत्पीड़न के खतरे के बिना व्यक्त करने की बात अपनी कहने की अनुमति मिलनी चाहिए, ताकि वो पत्रकारिता कर सके, अपनी बातों को खुल करके रख सके। दुजारिक ने कहा कि पत्रकार जो लिखते हैं, जो ट्वीट करते हैं और जो कहते हैं, उसके लिए उन्हें इस तरीके से जेल नहीं होनी चाहिए। उन्हें उठा करके सीधा जेल में नहीं डालना चाहिए। इस तरीके की कार्रवाई पूरी तरीके से गलत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों को तत्काल और बिना किसी शर्त के मोहम्मद जुबैर को रिहा करना चाहिए और उन्हें बिना किसी दखलंदाजी के अपनी पत्रकारिता करने देना चाहिए। तो भारत में मोदी सरकार द्वारा जा रही इस कार्रवाई की निंदा अब चारों तरफ हो रही है। गुजरात दंगे मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तिस्ता से तलवाड़ और पैगंबर मोहम्मद के मसले को लेकर के मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी, यूएन मानवाधिकार कार्यालय ने इस पर चिंता जताई है। इसके साथ साथ देश में इनके गिरफ्तारी का विरोध चारों तरफ हो ही रहा था। लोग सरकार से इसको लेकर के बगावत कर ही रहे थे, इस गिरफ्तारी के खिलाफ खड़े थे, मोदी सरकार की निंदा कर ही रहे थे। तब तक अब यूएन ने भी इस पर टिप्पणी कर दी, भारत सरकार से दोनों की रिहाई की मांग की है। फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और पत्रकार जुबैर को 2018 में ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया और फिर बाद में 4 दिन के लिए उसे बढ़ा दिया गया। मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी से पहले गुजरात पुलिस ने तिस्ता से तलवाड़ को 2002 गुजरात दंगों के सिलसिले में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए अदालत में गलत साक्ष्य पेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया था और उसको भी आज यूएन ने गलत बताया। उन्हें तत्काल रिहा करने की मांग की, क्योंकि दुनिया ये सब देख रही है और उसी को देख करके ये टिप्पणियां कर रही है। एक देश के तौर पर अभी हमको और बदनाम होना है और बेइज्जत होना बाकी है, आपस में और लड़ना और विध्वंस देखना बाकी है। समाज के भीतर इस नए इंडिया में जहर भरा जा रहा है, जहर घोला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द VPN TV।